नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं असंध के जींद असंध रोड से। आप देख सकते हैं गाड़ी ने बुलेट बाइक को बुरी तरीके से टक्कर मारी है। कार और बुलेट की ये जोरदार टक्कर रही है, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो गाड़ी है वो झाड़ियों में चली जाती है और बुलेट बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं ये जोरदार टक्कर रही, इसमें 2 से 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जो इस गाड़ी में शायद मौजूद थे वो लोग घायल बताए जा रहे हैं, और जो बुलेट बाइक सवार थे बाहरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, 50 साल के किसान राम सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी इस पूरे हादसे में, इस पूरे जो है घटनाक्रम में दुखद मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं भयानक ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो गाड़ी है वो ऊपर सड़क से नीचे जो है झाड़ियों में जाकर गिर जाती है। आप देख सकते हैं अंदर जो है सामान वो चेक करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। हालांकि जो भी घायल है उनको भी अस्पताल पहुंचाया गया, और ये वो बुलेट बाइक है जो बुरी तरीके से कुचली गई है। बुलेट बाइक पर सवार थे किसान राम सिंह, जिनकी मौत हो जाती है, जिनका अभी अभी जो है जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका नाम किसान राम सिंह है। ये देखिए इनकी बाइक है, बुलेट बाइक है काले रंग की, और बुरी तरीके से ये भी क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर उनकी मौत बताया जा रही है हो जाती है, और कार में सवार 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल जो है वो भेज दिया गया है। शायद जानकारी है कि जो गाड़ी सवार लोग हैं वो शायद जींद के किसी गांव के रहने वाले, हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं की। भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ये जो गाड़ी है, कार है, वो बुलेट बाइक को टक्कर मारती है, आगे से भी जो एक गाड़ी जा रही थी बुलेट बाइक उसके अंदर जाकर टकराती है, जिसके चलते जो बाइक सवार थे उनकी दुखद मौत हो जाती है, जो बाहरी गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए बुलेट की हालत, हालांकि बुलेट काफी मजबूत होती है, उसके बावजूद वो लगभग चकनाचूर हो चुकी है। और ये गाड़ी है, और इस गाड़ी का नंबर HR76B99000 जो है वो बताया जा रहा है। देखिए इस गाड़ी का नंबर आगे की तरफ से आपको बता दूं, HR76B99000 जो है इस गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, और जिसमें घायल हैं उन लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। काफी जो है बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा ऊपर की स्पीड थी, और इसी वजह से शायद जो है ये पूरा हादसा हुआ है, जैसा आसपास के लोगों का कहना है। आप लोगों से अपील रहेगी कि इस तरीके से जब आपकी सिंगल रोड है तो बिल्कुल भी आप इस तरीके से जो है ड्राइविंग ना करें। इस तरीके की स्पीड जो है वो हाईवे पर भी चल सकती है, जहां पर जो है अलग अलग लेन होती है, लेकिन अगर सिंगल जो रोड होती है जो अक्सर गांव में देखा जाता है, गांव की तरफ जाने वाली सड़कों पर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन होता है, तो ऐसे में उस रोड पर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जो घुमावदार होते हैं तो इस तरीके की भयानक टक्कर वहां पर हो जाती है, और कई लोग अपनी जाने जो है वो गंवा रहे हैं। अभी भी एक व्यक्ति की लगभग 50 से 52 वर्ष के आसपास उनकी उम्र बताई जा रही है, संत के ही बाहरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनकी दुखद मौत हो जाती है। आप ये गाड़ी देख सकते हैं बुरी तरीके से उलट जाती है और झाड़ियों में जाकर जो है वो गिर जाती है, और इसके अंदर से भी लोग जो बैठे हुए थे वो घायल बताए जा रहे हैं। असंत जींद रोड पर ये भयानक हादसा होता है। हालांकि ये तक कहा जा रहा है कि बुलेट सवार ने हेलमेट भी लगाया हुआ था, उसके बावजूद जो उनकी जान नहीं बच पाती, ऐसे में एक बड़ा हादसा, भयानक हादसा रहा, जिसके अंदर एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 2 से 3 अन्य लोग जो गाड़ी सवार हैं वो इसमें घायल जरूर बताए जा रहे हैं। असंध के असंध जींद रोड पर जो है ये भयानक हादसा होता है, जिसके बाद जो बाहरी गाँव के राम सिंह बताए जा रहे हैं उनका शव जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल करनाल के शवगृह में भिजवा दिया जाता है। आप देख सकते हैं मौके पर तमाम लोगों की भीड़ है, गाड़ी अंदर जाकर जो है वो गिर जाती है झाड़ियों में, और अंदर की अगर आप सीटें देखेंगे तो वो भी लगभग जो है बुरी तरीके से पलटी हुई हैं, जिसके चलते जो अंदर लोग थे उनको भी चोटें लगती हैं। ये लोग जो है शायद जींद के रहने वाले जो है वो बताए जा रहे हैं, हालांकि अभी यही जानकारी प्राप्त हो रही है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उन लोगों को लेके उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में भेजा गया, भेज दिया। लगे पता सर कहाँ से निकल रहे हैं? अभी करते हैं जी पता, अभी मौका देखते हैं और इसका पता करके जैसे भी हो कार्रवाई। आपका कौन था? मेरा मालिक था जी राम। ये मोटरसाइकिल पे? हाँ जी बुलेट पे। हाँ जी किस स्पीड पे थे क्या? नहीं यार आम थे, हम तो अंदर ही तो आए खेत में, थी थोड़ा बना गए, यहाँ एक बंदा खड़ा था हमारा, अच्छा इसके साथ में जाना था। क्या नाम था उनका? राम। कौन सा गाँव है? बारी। बारिश है, अच्छा। ये गाड़ी कहाँ से आई है? गाड़ी इधर से आई जी, स्पीड में थी। हाँ जी।
अच्छा, गाड़ी नहीं जो फोड़ी तो क्या स्थिति है उसकी? उसकी स्थिति खराब है जी, एक तो सिर में चोट जाता है उसके, एक दोनों पैर खत्म है, पैर खत्म है जी। गाड़ी वाले का? गाड़ी वाला तो ठीक ठाक है अपना जी, भी उतर कर आता रूम को। गाड़ी में कितने डॉलर है? गाड़ी में कितने थे? दो। क्या करता था? उसने खेती करेगा। क्या इसमें तूड़ा तूड़ा करने लगा था भाई उसका? कितनी उम्र थी? उम्र तो 70-75। राम नाम है? राम नाम है। और बुलेट की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलेट बाइक है वो पूरी चकनाचूर हो जाती है। ये जानकारी है कि पीछे से गाड़ी टक्कर मारती है और आगे की गाड़ी में जाकर भी बुलेट लगती है। इस पर एक 52 साल के व्यक्ति मौजूद थे जिनकी दुखद मौत जो है इस पूरे हादसे में हो जाती है। गाड़ी सवार भी घायल है। लगातार हादसे जो है वो देखे जा रहे हैं। असंद जींद रोड पर यह हादसा होता है जिसके बाद जो है घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और शव को मोर्चरी हाउस में रखवाया गया। लेकिन अब बाइक की जो बुलेट बाइक है इसकी हालत देखिए। HR06A7 75 कुछ ऐसा नंबर जो है नजर आ रहा है, 7568 जो है इसका नंबर नजर आ रहा है। फिलहाल जो है पूरी तरीके से उल्टा जो है नंबर नजर आ रहा है, जो टूट चुकी है पूरी की पूरी बुलेट। ये बाइक जो है वो टूट चुकी है और गाड़ी देखिए कहाँ जाकर गिरती है, नीचे झाड़ियों में जाकर गिरती है। अब इस बात से आप इसकी रफ्तार का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसका नंबर भी देखिए किस तरीके से, HR79B9900 जो है इसका नंबर है। और बुरी तरीके से ये गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, इसके अंदर जो लोग थे वो भी घायल हुए। हालांकि उन लोगों को अस्पताल तुरंत पहुंचा दिया गया, लेकिन जो बाइक सवार बुलेट बाइक सवार है उनकी मौके पर मौत हो जाती है। असंध की ही भारी गांव के वो रहने वाले बताए जा रहे हैं, नाम राम सिंह उनका बताया जा रहा है। और जानकारी है कि उनका शव जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखवा दिया गया है। लेकिन लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत जरूर है कि आखिरकार कैसे जो तेज रफ्तार है वो जाने ले रही है, लोग कितनी लापरवाही से ड्राइविंग की जाती है। चाहे कोई भी मामला उठाकर देख लिया जाए, ऐसे में कहीं ना कहीं अपील यही रहेगी कि आप भी सावधान रहे और सामने वाले को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें। जब आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। आप देख सकते हैं आसपास के जो तमाम लोग हैं वो जरूर इकट्ठा हो जाते हैं।